जलंधर के पौश इलाके लाजपत नगर विच वीरवार नूं होए तेरे कतल केस का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि अमरिंदर सिंह ने अपनी पत्नी और माँ का कतल करवाया है। अमरिंदर अपनी फैक्ट्री में काम करती लड़की नाल ब्याह करवाना चाहता सी, इसलिए उसने सारिया रुकावटा दूर करने लिए यह कारा किया। पुलिस ने शुरू में ही आख्या सी यह कतल लुट के इरादे नाल नहीं सगों साजिश तहत होया है। जलंधर में एक जघन्य हत्याकांड हुआ जिसमें कुछ एसेलेंट्स ने गोली चला के तीन लेडीज को घायल कर दिया, जिनकी बाद में डेथ हो गई। इन तीन लेडीज के नाम परमजीत कौर, बलजीत कौर और नीटू थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई लूटने के लिए कोई व्यक्ति अंदर घुसा और उसने ये सारी कार्रवाई की। पुलिस की सारे अफसर वहाँ पहुँच के और अलग अलग तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सारी रात इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब हमें इस क्राइम का मोटिव पता लग गया। जो मामला सामने आया वो ऐसा है कि उस घर का जो लड़का है अमरिंदर सिंह, उसका अपनी वाइफ से झगड़ा चलता था और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसी की एक एम्प्लॉय जिसका नाम रूबी है उसके साथ था और ये 2012 से इनका ये सिलसिला जारी था। 2015 में अमरिंदर की मदर और उसकी सिस्टर को ये पता लग गया और उन्होंने जाके रंगे हाथ उस लड़की को वहाँ पकड़ा और उसके बाद उसकी पिटाई करी और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद ये लड़की दिसंबर 2016 से अपने माता पिता के साथ जमशेर विलेज में जाके रहने लगी। अमरिंदर अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहता था लेकिन अमरिंदर के इन-लॉज ने इस पे नाराजगी जताई और उसको कहा कि डाइवोर्स किसी हालत में नहीं हो सकता। तब इन्होंने मिलके अमरिंदर और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी रूबी, इन्होंने मिलके ये हत्या का षड्यंत्र बनाना शुरू किया। अमरिंदर का एक पुराना एम्प्लॉय था जिसका नाम अमृत है, वो उसके पेट्रोल पंप पे काम करता था और उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो पहले जेल जा चुका है कई चीज़ों में, और उसने अमृत से बात की। अमृत ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिला सकता हूं जो पैसे की खातिर हत्या कर सकते हैं। अमृत ने उसे अपने एक और साथी विपिन इसका एम्प्लॉय था और विपिन ने अपने एक साथी अमृत से इसको मिलवाया जो कि चब्बेवाल का रहने वाला है होशियारपुर का और वो भी ऐसे ही क्रिमिनल है। अमृत ने इसको बताया कि इसमें 8 लाख रुपये लगेंगे और 1,04,000 रुपये एज एडवांस अमरिंदर ने इन दोनों को दिए, अमृत और विपिन को, जिससे ये जाके यूपी से एक वेपन लेके आए, देसी 32 बोर का पिस्टल, और उसके बाद उन्होंने यहाँ आके रैकी करनी शुरू की। 21 तारीख को रैकी की और उस वक्त घर में उनका गए और घर में डीवीआर चेंज करने के बहाने घर में गए और ये कहा कि जो आपके एग्जिस्टिंग जो सीसीटीवीज लगे हुए हैं ये ज़्यादा मेगापिक्सल के लगाने हैं, और इस बहाने से वो जो 3 CCTV थे उनके तार काट दी और घर के अंदर जो DVR लगा था उसे निकाल लिया और मॉनिटर साथ अपने ले गए। 22 तारीख को ये दोनों फिर वहाँ गए और उन्होंने देखा उनका अमरिंदर का बड़ा बेटा वहाँ बाहर था तो इसके बाद ये वापस आ गए। 23 तारीख को ये फिर वहाँ गए और इन्होंने शाम 4-5 बजे का टाइम इसलिए चुना था क्योंकि 4-5 बजे के बीच अमरिंदर की मदर भी घर के बाहर होती है, फादर भी बाहर होते हैं फैक्ट्री में और सारे बच्चे ट्यूशन पे होते हैं, खाली अमरिंदर की वाइफ घर में होती है। इनका मेन उद्देश्य था उसकी वाइफ को मारना, लेकिन दुर्भाग्यवश अमरिंदर की वाइफ की एक सहेली जिसका नाम नीटू था वो भी घर में आई हुई थी और उसकी मदर इन लॉ भी घर में रुके। तो ये जब घर में गए इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर घुसते ही गोली चलानी शुरू की, पहले डॉटर इन लॉ को, पहले मदर को गोली लगी, उसके बाद उसकी वाइफ को और सीक्वेंस में, और उसके बाद पिछले दरवाजे से जो कि राखी वाले दिन इन्होंने देख ली थी चाबी कहाँ रखी रहती है और कहाँ से खुलता है, वहाँ से ये दोनों फरार हो गए। हमने अमरिंदर और उसकी वाइफ उसकी सहेली रूबी को गिरफ्तार कर लिया है और जो दो अक्यूज्ड हैं हमारे विपिन और अमृत,
जो वारदात के इमीजिएटली बाद पंजाब छोड़ के कहीं बाहर निकल गए, उनके पीछे हमने टीम्स भेजी हैं। हमें उम्मीद है जल्दी ही वो हमारे काबू आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।